लहर चल रही है, तो इस तरीके से आप एक पीजीआई रिसर्च भी कर रहा है कि किस तरीके की ये लहर है और इस पर किस तरीके से काबू किया जा सकता है। देखिए, ये कोरोना की आपको दूसरी लहर लगती होगी, हमारे हिसाब से तो तीसरी चल रही है स्टेट में। पहले हमने मैक्सिमम सितंबर में देखा, फिर कम हुआ, फिर आपका दिवाली के टाइम पे दिक्कत आई थी काफ़ी, और उसके बाद बीच में लगभग 3-4 महीना प्रैक्टिकली आप एंड ऑफ जनवरी से देखना शुरू करेंगे, मिडल ऑफ जनवरी से, लेकिन उसके बाद से आप जो आप फरवरी में देखना शुरू करेंगे, ये सारा धीरे धीरे शुरू हुआ था। स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर जो हमने इस बारी का पैटर्न डिफरेंट देखा, वो दो चीज़ें देखी हैं। पहली बारी जब पहले आया था सितंबर में और नवंबर में जब हमने पीक देखी थी, उस समय प्राइमरली नेशनल कैपिटल टेरिटरी के साथ जो NCR का एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन, वो इन्वॉल्व था प्राइमरली, जिसमें गुड़गांव था, फरीदाबाद था, वो काफ़ी टाइम लगा था वहाँ सेटल होने में, और उसी तरह से उसमें सोनीपत भी था, रोहतक भी था, झज्जर अपेक्षाकृत थोड़ा बचा था। अब उसके बाद हमको पंचकूला और कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, जो नॉर्थ हरियाणा है, जो GT रोड बेल्ट है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिला। इस बारी हमारे जो दोबारा से जो कोरोना का सर उठा है इस लहर में, वो प्राइमरली आप पंचकूला, कुरुक्षेत्र, करनाल, मतलब इस बारी पैटर्न थोड़ा सा रिवर्स है कि सबसे पहले हमको जो नंबर ऑफ केसेज ज़्यादा बढ़ोतरी मिली वो नॉर्थ हरियाणा में मिली, और वो एरिया जो पंजाब के आसपास है उनमें ज़्यादा मिली। अब धीरे धीरे हम भी जैसे जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो केसेस की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे NCR में भी केसेस की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, और इस समय कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपका इस समय कोरोना का डबलिंग टाइम पिछले टाइम से कम है, और जो अभी तक हमारा पीक था पिछले साल केसेस का हरियाणा का, वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और हम इसके अंदर और भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर इज गोइंग टू गो अप एंड डाउन, मे बी अप टू 3 times what we had seen in the last time at least, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियां लेके चल रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां की गई सर? देखिए, इसमें 3 components हैं। ऑलरेडी कम्युनिटी स्प्रेड है, टेस्ट एंड ट्रेसिंग ऑलरेडी बात चल रही है लेकिन फैमिलीज के अंदर आ रहा है, तो इसलिए कई चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टाफ थका हुआ है इस समय, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो अच्छी बात है कि जिस तरह पिछली भयावह स्थिति थी कि आदमी को डर लगता था करने में काम, वो नहीं है, स्टाफ की थकान है। और जो चैलेंजेस और हम देख रहे हैं इसके अंदर टेस्ट एंड ट्रेसिंग के अलावा, जो सर्ज आ रही है उसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो एक शॉर्ट स्पैन में जो पीक के कारण आना पड़ा है, उसकी हमें एक तरह से एक शंका है कि प्रोबेबली ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 months जो हम पिछली बारी एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि हमने ब्लंट की थी कर्व को, इस बारी हम वो ब्लंटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण मुझे उम्मीद है कि लगभग 4 से 5 हज़ार केस, जैसे रोहतक इटसेल्फ में हमको सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख है, तो उसके अगर मैं टोटल मान के चलूँ कि आपके अगर किसी भी टाइम में संक्रमण अगर लगभग 2 लाख लोगों को है, क्योंकि हम ओवर एस्टिमेट इसलिए करके चल रहे हैं थोड़ा सा ताकि हमारी तैयारी ठीक रहे, अगर वो 2 लाख है तो अगर उसके मैं 5% भी लेता हूँ तो टोटली लफली हमारे पास 10 हज़ार के पाँच से लगभग अगर 5% के जिनको ICU एडमिशन चाहिए या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए, ये हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, उसके हिसाब से मुझे लगभग 2 से 5 हज़ार लोगों की पेशेंट्स की तैयारी करके चलना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ चाहिए होंगी, उसके हिसाब से हमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी, उसके हिसाब से हमें बेड्स भी चाहिए होंगे।